everyone, welcome back to my channel Life Simplified by Sadhika. देखने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट टू. सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एडॉप्शन को लेके. ईमेल पे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यूट्यूब पे भी जो आए हैं आई होप मैंने इस बार लिए हैं. पिछली बार ईमेल के ही लिए थे मैंने, तो बहुत लोगों ने मुझे मेल करके बोला मैम आपने मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिया. ये ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन क्यों नहीं लिया, ये इसलिए है कि मतलब आप लोगों को और नॉलेज मिलना चाहिए एडॉप्शन की प्रोसेस का, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर राउंड है. ओके, तो किसी का क्वेश्चन मिस हो गया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया, ये यूट्यूब पे ही बहुत बार आया है कि व्हाट इज रेफरेंस लेटर या रेफरेंस लेटर की साइज क्या होती है. तो इसका मैंने एकदम डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड किया है, आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रोल ऑफ नेबर्स इन एडॉप्शन प्रोसेस. आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो. पहले मुझे सिर्फ एक ही बार आया था तो मैंने नहीं सोचा था कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, मतलब क्यों ही लेना है. लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली 4 या 5 टाइम अलग अलग पेरेंट्स की तरफ से आया है ईमेल पे. ओके, तो मैं समझ रही हूँ आप लोगों के मन में जो डर है या आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है, क्योंकि मैं खुद भी तब ऐसे ही डरी हुई थी. तो देखिए, नेबर्स का कोई रोल नहीं होता बिफोर एडॉप्शन. आपको नेबर्स को बताना है नहीं बताना है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है. मैं बोलूंगी बिल्कुल मत बताओ, कोई जरूरत नहीं होती किसी को बताने की, क्योंकि नेबर्स क्या ही कर लेंगे जान के आप अडॉप्ट कर रहे हो. जब HSR की एजेंसी वाली घर पे आते हैं तो वो नेबर्स से नहीं पूछते. अगर आप में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई पॉइंट उनको दिख गया तो शायद वो पूछ लेंगे, लेकिन जितना मैं जानती हूँ तब तक नहीं पूछते नेबर से कुछ भी. हाँ, आफ्टर एडॉप्शन अगर आप बेबी की अच्छे से केयर नहीं ले पा रहे हो, अगर उनकी तरफ कोई कंप्लेंट गई है कि कोई मम्मी या कोई पापा या कोई भी केयर टेकर कोई भी नहीं क्या, तो वो बच्चे को बहुत डांटते हैं या बहुत मारते हैं या बच्चे की बहुत ही रोने की आवाज़ें आती है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी या कहीं पे भी अगर कंप्लेंट लॉन्च हो गई आपके अगेंस्ट, तो नेबर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑफकोर्स रिलेटिव से ज्यादा नेबर्स ही जानते हैं, तो नेबर्स को ये पूछा जाता ही है कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो बेबी के साथ, वो कैसे जानते हैं वो तब. ओके, आफ्टर एडॉप्शन नेबर्स का रोल आ सकता है. ओके, लेकिन बिफोर एडॉप्शन कोई जरूरत नहीं होती, आपको नहीं बताना है. क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब जो ऑनलाइन हम फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद की प्रोसीजर क्या है, तो उसी के लिए तो इतने वीडियोस बनाए हैं. तो सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पार्ट टू पार्ट देख लेना. एडॉप्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे हैं. आई थिंक 7 पार्ट्स में सारे मैंने एलाबोरेट कर दिए हैं. ओके, तो आप प्लीज वो वीडियोस देख लीजिए, ये बहुत लोगों से क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेबी का रेफरल HSR एजेंसी से ही आता है क्या. नो, ऐसे नहीं होता. आपकी HSR की एजेंसी अलग होती है और बेबी का रेफरल आपको आपने जो 3 स्टेट सिलेक्ट किए हैं उन तीनों स्टेट्स में से ही किसी एक स्टेट से आएगा और वो रेफरल की एजेंसी अलग होगी. ओके, तो रेफरल आने के बाद क्या क्या करना है, तो वो उसका वीडियो भी डिटेल में बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन. अभी मुझे सारे वीडियो कैसे बोलने में मुझे खुद को बहुत अजीब लगता है कि क्या बोलूं, लेकिन अभी बोलना पड़ता है. आपको पता कैसे चलेगा, बहुत लोगों को सिर्फ कोई एक ही पार्ट यानी वो इमीडिएट प्लेसमेंट वाला वीडियो वो वायरल हो चुका है, तो बहुत लोग सिर्फ उसको ही देखते हैं, बाकी वीडियो देखते ही नहीं है. तो ऐसा नहीं है, मैंने पूरी एडॉप्शन की प्रोसेस शेयर करी है आप लोगों के साथ, तो वो सिर्फ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप पूरी देख लीजिए. ओके, पेरेंट का ये क्वेश्चन था कि बेबी का जो एज, मतलब जब रेफरल आएगा तो बेबी का एज एग्जैक्टली हमारे कौन से एज पे डिपेंडिंग होता है, जब हमने अप्लाई किया था तब का एज या जब हमें बेबी आएगा, क्योंकि 3 या 4 साल तो लग जाते हैं ना प्रोसेस में. तो उनका क्वेश्चन वैलिड है कि कौन सा एज वो लोग कंसिडर करेंगे. तो आपने जब अप्लाई किया था ना, तो उसी एज ग्रुप के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपको रेफरल्स आ जाते हैं. ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है. और प्रोसीजर को थोड़ा अब ज्यादा वक्त लगने लगा है, 3 साल से थोड़े सी आगे जा रही है अभी वेटिंग लिस्ट, 4 साल तक हो रहा है. सो प्लीज पेशेंस बनाए रखिए, बहुत बुरा लगता है ऐसे बोलते वक्त भी, लेकिन हम और क्या ही कर सकते हैं. जितने पेरेंट्स हैं उतने बेबीज अवेलेबल नहीं है,
या क्या हो रहा है ये एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता. ओके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन है, रेफरल आने के बाद एग्जैक्टली हमें किसे कॉल करना है, सीएसआर की एजेंसी को या एचएसआर की एजेंसी को? तो आपको वैसे तो दोनों को भी कॉल करना होता है, क्योंकि अगर आपने आपकी फाइल कलेक्ट नहीं की है एचएसआर की एजेंसी से, जो आपको सीएसआर की एजेंसी में सबमिट करानी है, तो आपको ऑफकोर्स एचएसआर की एजेंसी को भी कॉल करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी वो फाइल है तो आपको सिर्फ सीएसआर की एजेंसी को ही इन्फॉर्म करना होता है कि आपको बेबी का रेफरल आया है और आप उस बेबी को रिजर्व करना चाहते हैं. सिर्फ थोड़ा वर्क दीजिए, हम उस बेबी को रिजर्व करने वाले हैं. ओके, ये आपको उनको फोन करके बोलना पड़ता है. उनको नहीं पता होता है कि बेबी का रेफरल किन पेरेंट को गया है. फिर आफ्टर लॉगिन वगैरह करने के बाद उनको ये सब कुछ पता चलेगा. चाइल्ड पिकअप करने के लिए, मतलब जब रेफरल आता है तो हम जब चाइल्ड की कस्टडी लेने जाते हैं, तो चाइल्ड पिकअप करने के लिए क्या हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी और को ले जाना कंपलसरी है? ये क्वेश्चन उन्होंने क्यों पूछा था, दो तीन पेरेंट्स ने पूछा था ये क्वेश्चन. लेकिन एक पेरेंट्स का क्या था कि उन्होंने ना बहुत लोगों से छुपाया है एडॉप्शन के बारे में, एंड फिर उनका ऐसा था कि अगर रिलेटिव्स को साथ में ले जाना कंपलसरी होगा तो हम किसको ही लेके जाए. तो नहीं, ऐसा नहीं होता, आपके ऊपर है. अगर आपको ट्रैवलिंग के वक्त बेबी को संभालने के लिए आपकी मम्मी की, आपके दीदी की हेल्प चाहिए होगी, तो आप उन्हें मतलब पक्का वाला साथ में लेके जा सकते हो. अदरवाइज अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर पाओगे सब अच्छे से, तो आप अकेले ही जा सकते हो. मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों का होना तो बहुत जरूरी है, हस्बैंड और वाइफ आप दोनों का होना तो बहुत ही जरूरी है. अदरवाइज किसको लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, ये कोई रूल नहीं है, ये कम्प्लीटली आप पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडॉप्शन के बाद फॉलोअप कितने बार होता है? तो फॉलोअप होता है 4 बार, और वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है आई थिंक पार्ट 6 में, जिसमें मैंने ये लिखा है रेफरेंस. वीडियो का टाइटल है रेफरेंस बर्थ सर्टिफिकेट एंड पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप. ओके, तो उसमें आप चेक कर लो, क्योंकि 4 बार होता है और उस चारों विजिट्स के पैसे होते हैं, तो वो सब मैंने डिटेल में बोला है. एक वीडियो में मैं इतना कुछ नहीं बोल. क्वेश्चन है पिटीशन फाइल करना. उनके 3 क्वेश्चंस थे एक ही एक में. तो पिटीशन फाइल करना यानी क्या होता है, कौन करता है ये पिटीशन फाइल, एंड उसके चार्जेस क्या होते हैं? तो पिटीशन फाइल मतलब कि आप जो पेरेंट्स हो, आपको वो बेबी की कस्टडी वो दे रही है फॉर 3 मंथ्स, ये होता है पिटीशन. ये कोर्ट को एजेंसी की तरफ से अप्लाई हो जाता है, तो वो करते हैं वकील. वो वकील आपको मिलता है जहां से आपको बेबी का रेफरल आया है ना, उस एजेंसी की तरफ से. उसके कोई चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं. आई थिंक सिर्फ फॉर्म की फीस देनी पड़ती है, उसके अलावा कुछ और नहीं देना होता है आपको. अदर देन दैट आपको डोनेशन देना है, आपको उस एजेंसी को कुछ हेल्प करनी है आपकी तरफ से, वो आप पे है. कारा ने ऐसा कहीं से इमीडिएट प्लेसमेंट में सारे बच्चे 2 इयर्स के अबव ही क्यों दिखा रहे हैं? तो 2 इयर्स के अबव इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत बार, तो उनका ऑफकोर्स एज ग्रुप बढ़ जाता है. तो अगर उनका एज ग्रुप 2 इयर्स के अबव हो गया या नियर टू 2 ईयर हो गया, तो कारा उनको इमीडिएट प्लेसमेंट में शिफ्ट कर देता है. और बहुत से बच्चे थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत माइनर हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो आफ्टर सर्जरी या आफ्टर ट्रीटमेंट रिकवरेबल होते हैं. आई डोंट नो गवर्नमेंट क्यों नहीं कराता ये सर्जरीज, गवर्नमेंट क्यों नहीं कराता ये, आई डोंट नो. लेकिन अगर आप पेरेंट्स ही करा लोगे, देखो बच्चा जन्मने के बाद उसकी सर्जरी करनी पड़े तो क्या माँ बाप उसको ठुकराते हैं, हमें नहीं चाहिए ये बच्चा, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं. ऑफकोर्स उनमें अगर हल्का फुल्का कुछ है मेडिकल इश्यूज, तो सिर्फ सर्जरी के बाद अगर वो रिकवरेबल है, वो आप सारा आपके डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक जस्ट छोटी सी सर्जरी है, सारी लाइफ सॉर्ट आउट उसकी भी और आपकी भी. तो इमीडिएट प्लेसमेंट के थ्रू आप इजीली पेरेंट्स बन सकते हो, ये कम्प्लीटली आप पे है. ये इतना वाइड होना चाहिए, है ना, नजरिया वाइड होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है. एक लेडीज है, उनका आया है क्वेश्चन, आई एम अ सिंगल अनमैरिड लेडीज, कैन आई अडॉप्ट अ बेबी? तो जी हाँ, मैंने पिछले क्वेश्चन आंसर में भी बोला था कि कोई भी सिंगल मैरिड हो, अनमैरिड हो, वीडो हो, डिवोर्सी हो, आप अडॉप्ट कर सकते हो. अगर आप फीमेल हैं तो आप बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो. अगर आप मेल हो तो आप सिर्फ मेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो. ओके, इसका रीजन अगर आपको जानना है तो मैंने पिछले क्वेश्चन एंड आंसर वाले राउंड में क्लियरली एलाबोरेट किया है.
एक लेडीज का बहुत अच्छे से क्वेश्चन आया था. उनका क्वेश्चन था, मैंने एडॉप्शन का डिसीजन लिया है बट आई एम अ सिंगल वर्किंग वुमन, तो क्या HSR के वक्त मुझे बहुत क्वेश्चंस करेंगे या क्या क्वेश्चंस करेंगे. ओके, तो मेरे हिसाब से जो जो मुझे लगता था वो मैंने उनको बोला था आंसर में. तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने सिंगल पेरेंट्स के ऊपर तो वीडियो बनाई नहीं है, तो शायद आप में से कोई और ऐसा होगा जो सिंगल पेरेंट्स होगा तो उनको ये आंसर हेल्प हो जाएगी मेरी तरफ से. तो मैं आपको बोलती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते जो हमें भी पूछे गए थे, तो काइंड ऑफ उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप सिंगल मेल हो और आप सिंगल वुमन हो, कोई भी हो, आप दोनों के लिए सेम क्वेश्चंस हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चंस पूछेंगे, हो सकते हैं कि आप क्यों लेना चाहते हो. प्रेफरेबल अगर आपने जेंडर डाला है कि उसी जेंडर का आप बेबी क्यों लेना चाहते हो, क्योंकि उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है ना. एंड आफ्टर अडॉप्टिंग दैट बेबी आप उसकी केयर एग्जैक्टली कैसे लोगे, मतलब आप क्या क्या कर पाओगे, क्योंकि सिंगल हो वो भी वर्किंग हो तो घर के घर पे कैसे होगा, बेबी की देखभाल कौन करेगा. एंड व्हाट इफ अगर आपने आगे जाके शादी का मन बना लिया, तो जो आपका जिंदगी में आने वाला लाइफ पार्टनर है क्या वो उस बेबी को एक्सेप्ट कर पाएगा, या आप फिर उसके बाद उस बेबी के बारे में क्या सोचोगे. मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अब दिल किया अब ले लिया, चार पांच साल के बाद कोई और पसंद आया उससे शादी करनी, तो इस बेबी की अड़चन लगती है फिर. तो इसलिए अगर आप सिंगल हो आपको अडॉप्ट करना है तो बहुत वाइड सोच के अडॉप्ट करो. और मैं तो कभी नहीं शादी करूंगी या मैं तो कभी नहीं शादी करूंगा, ऐसे आज आप सोच रहे हो, थिंक वाइडर. अगर 10 साल के बाद आपका मन बदला या आपको आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आ गया आपको शादी करना, वो अंदर से होता है, फीलिंग आती है, अंदर से कोई अच्छा लगने लगता है तो हम शादी के डिसीजन. ऐसा नहीं है कि आप तब क्यों शादी कर रहे हो ये गलत है, ये गलत नहीं है, आप शादी कर रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन वो बेबी के बारे में अभी से सोच लो तो आपको ही तब जाके दिक्कत कम आएगी. ओके, इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं. आप उसके मेडिकल इमरजेंसीज में आप अगर अकेले पेरेंट हो तो आप कैसे मैनेज करोगे, अगर आप मेल हो तो बेबी रात को रोएगा उठेगा आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे, उसके सारे कुछ अगर जो क्वेश्चंस होते हैं जो मम्मा ही आंसर कर पाती है आप कैसे कर पाओगे, ऐसे जो इम्पॉर्टेंट एंड वैलिड क्वेश्चंस है वो तो पूछे ही जाते हैं. वो कपल को भी पूछा जाता है, नॉट ओनली कि सिंगल जो है एडॉप्टिव पेरेंट्स उनको ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है. कपल्स को भी इसी काइंड ऑफ के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है. HSR के वक्त होता है ये सब कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कपल आर फुली पॉजिटिव टूवर्ड्स दिस अडॉप्शन प्रोसेस बट प्रॉब्लम इज आवर पेरेंट्स, सो व्हाट शैल वी डू. ये क्वेश्चन ना आता ही है, ऐसा नहीं है कि एक भी दिन गया और ऐसे काइंड ऑफ का क्वेश्चन नहीं आया. पेरेंट्स अपोज करते हैं, शायद वो उनकी जगह क्यों करेक्ट है कैसे करेक्ट है वो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हो सकते हैं. लेकिन क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी लाइफ है, हमें माँ बाप बनना है, हम ट्रीटमेंट ले चुके हैं. ऐसा नहीं है कि आज शादी हुई है और हमने कल डिसीजन ले लिया कि हमें अडॉप्ट करना है, या हम शौक के लिए तो अडॉप्ट नहीं कर रहे, या हम किसी को दिखाने के लिए तो अडॉप्ट नहीं कर रहे. तो हमें पता है हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं. आपकी शादी को अगर कुछ वक्त गुजर चुका है, 5 साल 10 साल, और आप फिर भी अगर नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहे हो तो ये एक गुड डिसीजन है. या तो आपके फैमिली में से ही आप अडॉप्ट कर लो, या तो आप कारा के थ्रू अडॉप्ट कर लो. तो आपके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है ये कम्प्लीटली अप टू यू है. आई थिंक अगर आप फर्मली उनको जाके बोल दोगे तो मे बी वो लोग कुछ दिनों के बाद उस डिसीजन को हैप्पीली ले लेंगे. आप पूछते रहोगे ना, वो कभी नहीं हाँ बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. पेरेंट्स ने अगर हाँ बोल दिया, पेरेंट्स के मन में भी तो ये रहेगा ये आगे जाके मुझे ही बोलेगा, आपने बोला था इसलिए मैंने अडॉप्ट किया. पूछो मत, जाके बता दो आपका डिसीजन, और वो भी फर्मली फुल कॉन्फिडेंटली, तो ही आगे वाला आपको सपोर्ट कर पाएगा ना. अगर आप ही ऐसे झुंझला रहे हो और आप दूसरों के डिसीजन पे कैसा अपना डिसीजन ले सकते हो, है ना. तो उनको क्वेश्चन करने से बेहतर ही उनको बोल दीजिए, क्योंकि 3-4 सालों में तो किसी का भी नजरिया बदल ही जाता है. तो होप फॉर द बेस्ट, मैं यही बोल सकती हूँ क्योंकि हमने भी यही किया है, तो मैं यही बोल सकती हूँ. व्हाई डज देयर आर सो मेनी वियर्ड क्वेश्चंस टू सिंगल लेडी, नो माय डियर, वो सिर्फ लेडीज को ही, मतलब या सिंगल पेरेंट्स को ही ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो कपल्स को भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं. कुछ क्वेश्चंस सच में बहुत वियर्ड होते हैं, लेकिन वी हैव टू आंसर देम
फुल्ली कॉन्फिडेंटली फर्मली क्योंकि इट्स अबाउट आर चाइल्ड, इट्स अबाउट आर चाइल्ड्स लाइफ. सो हम आंसर कर ही सकते हैं. मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअली, और मुझे सच में अच्छा लगा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में रखा. हाउ इज योर एक्सपीरियंस आफ्टर एडॉप्शन? लाइफ चेंज हो गई, बहुत एंगल से चेंज हो गई. मतलब कोई हमें मम्मा बुलाता है, आई, वो फीलिंग ही अलग. मतलब चाची मामी बन चुकी थी मैं, मासी, लेकिन मम्मा माँ आई सिर्फ अपनी औलाद बुलाती है, सिर्फ अपनी. तो कोई तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है माँ बनने का. माँ बनने की खुशी ही अलग होती है. आई थिंक कल्पेश का भी यही सेम आंसर होगा. हम दोनों बहुत अटैच्ड है गुरु से, बहुत इमोशनली अटैच्ड है गुरु से. क्या हमें रिलेटिव्स ने कुछ बोला या हमें किसी ने अपोज किया? जी हाँ, जैसे आप जूझते हुए आगे आए हो वैसे ही हम भी आगे आए हैं. लेकिन क्या आफ्टर एडॉप्शन किसी ने हमें कुछ बोला? वी डोंट नो. हमने कभी किसी को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया कि कोई आके हमारे एटलीस्ट मुंह पे कुछ बोल सकता है. नहीं, कोई नहीं बोला आज तक तो हमारे मुंह पे कोई नहीं बोला. मैं इतना किसी को इम्पोर्टेंट नहीं समझती कि वो ये बोल रहे हैं तो अरे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मेरे मुंह पे आके कोई बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्यों अडॉप्ट किया. हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे करना पड़ा बहुत लोगों को कि आपने क्यों अडॉप्ट किया. थोड़ा और कुछ कर देती ट्रीटमेंट में, ट्राई ऑन, आप IVF ही कर लेती. मैं देती हूँ उसके आंसर्स क्योंकि हमने गिल्ट में अडॉप्शन नहीं किया है. हमें चाहिए था, हमारी लाइफ की वो जो खालीपन था ना वो हमें स्पृहा ने दिखा दिया. मतलब कि हमारी लाइफ में क्या कमी थी उस स्पृह के आने के बाद पता चला. बच्चे का हंसना, बच्चे का रोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये उसके बाद पता चला कि वो इतने छोटे छोटे पैरों से चलने लगी. बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था. सो थैंक यू सो मच. ये जो सब्सक्राइबर है प्यारे से, इन्होंने मेरी इतनी पुरानी यादें ताज़ा कर दी. ऐसा नहीं है कि छोटी थी तभी ज़्यादा अच्छा था, आजकल तो मुझे इतना ज्ञान देती है. आज वो घर पे नहीं है, वो होती तो मैं और ज़्यादा अच्छे से बोल पाती. अभी उसका स्कूल, वो 2.5 ईयर की होने के बाद उसका स्कूल, फिर वो ऑनलाइन का स्कूल फ्री, फिर मैंने होम स्कूलिंग भी करवाया, अब फिर वापस ऑफलाइन स्कूल. सारे एक्सपीरियंसेस एकदम ऐसे है, एकदम अभी ऐसे. कभी कभी लगता है अगर कंपेयर करो छोटी थी तब का एक्सपीरियंस कैसा था, अब का एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो भी था, वो भी अच्छे ही दिन थे, कुछ खराब नहीं था. लेकिन अब इतनी बातें करती है और मैं इतनी बातों नहीं हूँ, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता या मुझे कोई पॉइंट में पकड़ नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ऐसे होती कि मैं छूट जाती हूँ. लेकिन स्पृहा से बच पाना, नो वेज. इतना बोलती है मुझे, इतना डांटती है. मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने तो कुछ भी नहीं डांटा, मेरे हस्बैंड ने टोकते मुझे, तब स्पृह मुझे बोलती है. और वो जो प्यारी डांट होती है वो खाने में जो मज़ा आता है, कि एक माँ बनने की खुशी इसी में होती है कि आए दिन मुझे डांट पड़ती है, मम्मा तू ये क्या करती रहती, मम्मा तुझे रोटियाँ नहीं आती, मम्मा आज की सब्जी अच्छी बनी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं, ये सुनने में बहुत मज़ा आता है. बहुत बातें करती है वो, बहुत. तो थैंक यू सो मच. अब मैं ना कम करती हूँ, क्या ही बोलना है, क्या आप लोग बोलोगे कि कितना बोलते हो. तो ओके, तो आपके इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस होंगे तो कीप आस्किंग. यूट्यूब क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में डालिए या ईमेल पे डालिए. अगर आपको आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है तो ईमेल पे डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसे ही वापस जब वैलिड क्वेश्चंस मुझे सॉर्ट हो जाएंगे तो और एक क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो आ जाएगा. ओके, सो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो कर दीजिए. देखते हो फिर लाइक क्यों नहीं करते. ओके, तो लाइक कीजिए एंड जो भी नीडी वंस होंगे उनमें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए. ओके, टिल देन बाय.